हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और हमारी यूनिवर्सिटी में थी फेयरवेल पार्टी जो कि हम फर्स्ट ईयर सीनियर्स को दे रहे थे, और ये टिकट्स हमारे लिए अरेंज की गई थी और कहा गया था कि आपको ये टिकट्स बाय करनी है, वो भी 500 में पर पर्सन। और इन्होंने हमारे हाथ पे स्टैम्प्स लगाए थे कि आप अंदर जाओगे तो आप बाहर नहीं आ सकते। और जिस एरिया में पार्टी अरेंज की गई थी उसको कोर्ट यार्ड कहते हैं। और जैसे ही हम इसमें अंदर एंटर हुए, हम लोग शॉक्ड हो गए कि यार ये हमारी यूनिवर्सिटी है। वैसे तो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के टैलेंट्स पर हम कोई डाउट नहीं कर सकते कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंज कर सकते हैं, बट हमारी यूनिवर्सिटी में अभी तक ऐसा कोई इवेंट हुआ नहीं था कि हम लोग इतना अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बहुत मज़े की हुई है यार, बहुत अमेजिंग थी, बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई थी इन्होंने, अरेंज की हुई थी। और उसके बाद ये सारा एरिया था जहाँ पे इन्होंने लाइटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ था, और हमारी ही यूनिवर्सिटी के, हमारी ही क्लास के बल्कि बच्चे थे जिन्होंने सिंगिंग की थी। क्योंकि आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी म्यूजिकोलॉजी भी है, तो अपने ही हर बच्चे, हमें किसी को बाहर से नहीं बुलाना पड़ता, हर काम हम खुद ही कर लेते हैं। तो बहुत मज़े का इवेंट था, और हमारी क्लास के बच्चों ने सिंगिंग भी की थी। और मैंने अपना ड्रेस इतनी मुश्किल से सिलेक्ट किया था ना, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मुझे मेरे कोई ड्रेस नहीं मिला, टेंशन थी, बट ये मिल गया। और ये मेरे साथ ग्रे बैग था, ग्रे ड्रेस था, और मुझे बहुत मज़े का लगा यार। और उसके बाद जब हम लोगों ने पार्टी इंजॉय की, बहुत मज़ा आया। पार्टी इतनी टाइम तक नहीं थी, 7 o'clock हम लोग वापस आ चुके थे, तो बहुत मज़े की पार्टी हुई थी। और आप लोग भी देख रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट। और लास्ट पर हमारे लिए खाने का अरेंजमेंट भी किया गया था। यही था मेरा ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।